आदिवासियों माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं है? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है, मेरा सवाल है। अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। उनके मंत्री जाकर हार डालते, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं, इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता। तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अच्छा, आप बैठिए, मोहम्मद सलीम आपको क्या हो गया? तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। जी, ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो। क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं, तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं। और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुरी जी, क्या हो रहा है? विदुरी जी बैठिए। मगर यस,